नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी आइडिया शेयर करूंगी, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सेम साइज के कपड़े के दो क्वालिटी पीस लिए हैं, ये देखिए। इनका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। विड्थ है इनकी 16 इंच और लेंथ भी इनकी 16 इंच है। अब सबसे पहले एक पीस लेंगे। सबसे पहले हम इंची टेप लेंगे, इस तरह रखेंगे, 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह सीधा खींच लेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से भी हम इंची टेप को इस तरह रखेंगे कॉर्नर से। इधर भी हम 4.5 इंच में निशान लगा लेंगे। इस तरफ भी इंची टेप रखेंगे, 4.5 इंच में निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे। इसी तरह इस निशान को भी सीधा खींच लेंगे। अब इसे एक साइड रखते हैं, दूसरा पीस लेंगे। इसमें भी नीचे की तरफ 4.5 इंच में निशान लगाएंगे, इसे भी बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। फिर से इंची टेप रखेंगे, 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। इधर से भी 4.5 इंच में निशान लगाएंगे, इन्हें सीधा खींच लेंगे। दोनों पीसीज में हमने निशान लगा लिए हैं, अब इन्हें अलग रख देंगे। देखिए सेम साइज के दो कपड़े के पीसीज मैंने और कट कर लिए हैं। लेंथ है इनकी 27 इंच और विड्थ है इनकी 4 इंच। अब इसे उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब देखिए इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करते हुए उसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक साइड रखेंगे, एक पीस लेंगे, एक पट्टी लेंगे। अब इसे 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से। इस निशान पे इस तरह रखेंगे, देखिए इस निशान से इस तरफ, और यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह। अब हमें सिलाई यहाँ से इस तरह घुमाते हुए इस तरह से यहाँ तक लगानी है, इतनी जगह छोड़ देनी है। यहाँ से घुमाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। अब इसका दूसरा सिरा लेंगे, इसे भी 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से इस निशान पर रखेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच में निशान लगाएंगे, इस तरह से, और इसमें भी इस निशान से घुमाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें भी। देखिए हैंडल को हमने इस तरह से जोड़ दिया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसे जोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह। और इसी तरीके से हमने इस पीस में भी हैंडल जोड़ लिया है, ये देखिए। अब एक पीस को हम अलग रख देंगे, इसे लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इंची टेप को इस कॉर्नर पर रखेंगे, यहाँ से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। फिर इंची टेप को इस तरह इस कॉर्नर से नीचे की तरफ रखेंगे, 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा खींच लेंगे, इस तरह से, और इसे बिल्कुल इससे सीधा मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया। अब इसे इस कॉर्नर पर रखेंगे, इस तरह रखकर इसे भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से इसे रखकर यहाँ से भी दोनों कॉर्नर कट कर लेंगे। हमें चारों कॉर्नर कट करने हैं। देखिए इसके चारों कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से इसके भी चारों कॉर्नर हम कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसीज में हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं। अब एक पीस को अलग रखेंगे, इसे लेंगे इस तरह से, और सेम इसी साइज की हम एक चैन लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब देखिए इस कपड़े को हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से, और इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब दूसरा पीस लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इसे चैन पे इस तरह रखेंगे इस तरह से। अब हम एक सिलाई यहाँ से इस तरह से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने इसे जोड़ लिया है। अब देखिए इस कपड़े को हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से, और एक टॉप स्टिच हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा चैन को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे,
और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हैंडल इसमें ना आए, बीच में रखेंगे हैंडल को इस तरह से। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाई है, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाई है और एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगाई है। आप चाहें तो इन सभी सिलाइयों को कपड़े की पट्टी से कवर कर सकते हैं। हम सबसे पहले नीचे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से। अब हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इस तरह इन दोनों कॉर्नर को भी जोड़ लेंगे। देखिए चारों कॉर्नर हमने जोड़ दिए हैं। देखिए अब हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। देखिए बैक को हमने सीधा कर लिया है।